लंका विजय के पहले ही श्री राम की सेना के सामने अनंत सागर चुनौती देते हुए उछाल मार रहा था। पर राम नाम के सहारे सागर तो क्या, भवसागर भी पार हो जाता है। सेतु निर्माण का कार्य इतनी गति से हुआ कि कुछ ही समय में पत्थर और चट्टाने कम पड़ने लगी। तब हनुमान सेतु निर्माण के लिए पर्वतराज गोवर्धन को ही लेकर सागर की ओर उड़ चले। उधर सागर पार लंकापति रावण ने श्री राम के विरुद्ध अपनी युद्ध नीति पर उधेड़ बुन आरंभ कर दी। विभीषण ने कितना प्रयास किया कि वो सीता को लौटाकर श्री राम से क्षमा मांगे, पर विनाश की इस घड़ी में रावण की बुद्धि उसका साथ ही नहीं देती थी। और तब विभीषण के पास श्री राम की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। लगता है इसी पर्वत पर श्रीराम की छावनी है। हाँ महाराज विभीषण, चारों दिशाओं में सैनिक ही सैनिक दिखाई दे रहे हैं। ये सभी अवश्य ही श्रीराम की सेवा में हैं। इसका अर्थ है हम भी जल्दी ही श्रीराम की सेवा में पहुंचने वाले हैं। प्रभु प्रभु, लंकेश का कोई दूत आ रहा है। वो इधर ही आ रहा है प्रभु। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है सैनिक, मैं देखता हूं उसे। आप कष्ट न करें कुमार लक्ष्मण, मैं देखता हूं। लगता है उसका अंत मेरे हाथों ही होना है। क्षमा करें महाराज सुग्रीव, मेरी गदा कई दिनों से शांत है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर देख लूं। वो नराधन भी मारा जाएगा और इस गदा को भी शत्रु के दर्शन हो जाएंगे। नहीं हनुमान, हो सकता है वो किसी अन्य कार्य से आ रहा हो। सत्य को जाने बिना किसी प्रकार का बल प्रयोग उचित नहीं है। वानरराज सुग्रीव, आप जाइए, आप स्वयं उनसे मिलकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। चलो उस ओर चलकर देखते हैं, लगता है उसी ओर श्रीराम से भेंट होगी। हाँ तो चलिए उसी ओर चलते हैं। ठहरो, जहां हो वहीं रुक जाओ। लगता है श्रीराम का कोई सेनापति है। हाँ महाराज विभीषण, वो जो भी है इधर ही आ रहा है। कौन हो तुम लोग? क्रोध न करें, हम श्रीराम के शत्रु नहीं मित्र हैं। लंका से आने वाला श्रीराम का मित्र नहीं हो सकता। ऐसा ना कहें, लंका में सभी अधर्मी नहीं है, वहां भी श्रीराम के भक्त हैं। श्रीराम के भक्त? सच सच बताओ तुम लोग हो कौन? मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं अपने बड़े भाई रावण के कृत्य से दुखी होकर श्री राम के शरण में आया हूं। क्या? परंतु मैं कैसे विश्वास करूं कि आप सचमुच प्रभु की शरण में आए हैं? आप बस श्री राम से मेरी भेंट करा दें, वो सब कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ आइए। Thank you.
सदरते ही आगे करी वानर चले जहां रघुपति करुणा कर दूरी ही ते देखी दो भ्राता नयनानंद दान के दाता प्रभो लंकापति रावण के सहोदर भ्राता विभीषण आपकी शरण में आए हैं। ये क्या कह रहे हैं वानर राज? अवश्य ही रावण हमारे साथ कोई छल कर रहा है। वो अपने भाई को यहाँ भेजकर हमारी सेना की शक्ति जानना चाहता है। मुझे उनकी बातों से ऐसा नहीं लगा कुमार लक्ष्मण, फिर भी आप दोनों भ्राता विचार कर लें। नीति के अनुसार हमें उनसे अवश्य मिलना चाहिए वानर राज सुग्रीव। नीति तो ये भी कहती है भैया कि शत्रु पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक तो राक्षस वैसे ही क्रूर और कपटी होते हैं, दूसरे ये रावण का भाई है, हम इस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? शत्रु यदि शरण में आए तो उसे अवश्य अपनाना चाहिए लक्ष्मण। वानर राज सुग्रीव, हम उनसे अवश्य मिलना चाहेंगे। जो आज्ञा प्रभु। उन्हें अंदर भेजो। प्रभु श्री राम की जय हो। मैं विश्रवा पुत्र लंकेश रावण का अनुज विभीषण आपकी शरण में आया हूं। आप मेरा उद्धार करें नाथ। अवश्य विभीषण, आपकी विनम्र वाणी सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप अपने भ्राता रावण की नीतियों से दुखी हैं। आपने बिल्कुल ठीक समझा प्रभु। ब्रह्मा से वरदान पाकर लंकेश रावण स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगे हैं। उन्हें भ्रम हो गया है कि वो अमर्त्य हैं। देव दानव नाग किन्नर उन्हें कोई नहीं मार सकता। उनका पुत्र मेघनाद भी उनके समान ही अभिमानी हो गया है। वो इंद्र को परास्त कर इंद्रजीत बन बैठा है प्रभु। पूरी लंका ऐसे ही अभिमानियों से भरी पड़ी है। मेरी भावनाएं समझने वाला कोई नहीं है वहां। इसलिए आप मुझे शरण दे प्रभु श्री राम। आपकी सेवा में मेरा जीवन धन्य हो जाएगा प्रभु। विभीषण का निवेदन सुनकर सब सोच में पड़ गए। राम जानते थे कि लक्ष्मण से कहो कि सूरज पश्चिम से निकल आया तो वो शायद मान ले, पर रावण के भाई के राम की शरण में आने की बात वो कभी नहीं मानेंगे। यही सोचकर श्री राम समझ नहीं पा रहे थे कि विभीषण को शरण दें या उसे वापस भेज दें। लक्ष्मण, विभीषण न्याय की आशा से हमारे पास आए हैं। ऐसे में हमें इनकी भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए। मेरे लिए ये मानना कठिन है भैया, पर यदि आपका यही निर्णय है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। विश्रवा पुत्र विभीषण, मैं आज दशरथ नंदन राम दसों दिशाओं इस विशाल समुद्र और समस्त ग्रह नक्षत्रों को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं रावण का उसके पुत्रों मंत्रियों और उसके समस्त योद्धाओं सहित वध करके तुम्हें लंका का राजा बनाऊंगा। तुम ही भविष्य के रक्षेंद्र होगे, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। श्री राम की जय। धन्य है आप श्री राम प्रभु, धन्य है आप। यदि आपने ऐसी प्रतिज्ञा ले ही ली है तो आज मैं परमपिता ब्रह्मा का वंशज पुलत्स्य पौत्र विश्रवा पुत्र विभीषण आपके चरणों की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि लंकेश का अंत करने में मैं पूरे तन और मन से आपकी सहायता करूंगा। विभीषण से मेरा विरोध वैचारिक है मंदोदरी, वो चाहे जो भी करे मैं उसका भला ही चाहूंगा। पहले तो आपने उन्हें शत्रु बना लिया और अब उनके भले की बात कर रहे हैं। मैं विभीषण का शत्रु नहीं हूं मंदोदरी, वो मेरा भ्राता है
और सदैव भ्राता ही रहेगा। जब उनके प्रति ऐसी सोच है तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? संबंधों की मर्यादा और राजनीति दोनों में बहुत अंतर है मंदोदरी। विभीषण नहीं जानता है कि हमने ये लंका कैसे बसाई है। तीनों लोकों से लड़ा हूं मैं इस लंका के लिए, रक्ष संस्कृति के लिए, तब बना हूं मैं लंकेश। और विभीषण ने लंकेश की गरिमा और मर्यादा दोनों के साथ। गरिमा और मर्यादा का ध्यान होता आपको तो देवी सीता का हरण नहीं करते। शूर्पणखा के झूठ और बहकावे में आकर तुम्हें शूर्पणखा के आंसू और उसकी पीड़ा झूठ लगती? उसके मन की व्यथा का भी अनुमान नहीं है तुम्हें? आप ये मत भूलिए महाराज कि शूर्पणखा एक नारी है और एक नारी के मन की व्यथा एक नारी से अधिक कोई नहीं समझ सकता। यदि तुमने उसकी पीड़ा समझी होती तो ऐसा लांछन नहीं लगाती उस पर। वो देवी सीता को मार कर राम से विवाह करना चाहती थी स्वामी। जैसा राम के साथ हुआ वैसा आपके साथ होता तो क्या आप सहन कर सकते थे इसे? ये सच नहीं है मंदोदरी, ये सच नहीं है। शूर्पणखा का सच मुझसे अधिक कोई और नहीं जान सकता। उसके मन में राम के लिए प्रेम नहीं, प्रतिशोध है, और उसका प्रतिशोध उसका भ्राता लेगा। जैसे तुम्हें अपने पति पर गर्व है वैसे ही शूर्पणखा को अपने भ्राता लंकेश पर गर्व है, और मैं उसके इस गर्व को आहत नहीं होने दूंगा। सभी श्री राम भक्त ध्यान दें, सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और श्री राम का आदेश है कि अब और चट्टानों और पत्थरों को इकट्ठा ना किया जाए। जय श्री राम। क्या हुआ महावीर हनुमान, आपने मुझे यहाँ क्यों रख दिया? क्षमा करें पर्वतराज गोवर्धन, जिस सेतु निर्माण के लिए मैं आपको ले जा रहा था वो तो पूरा हो चुका, किंतु आपने मुझे श्रीराम के दर्शनों का वचन दिया था, क्या आप अपना वचन भूल गए? मैं अपना वचन कभी नहीं भूलता पर्वतराज गोवर्धन, पर मैं प्रभु श्रीराम के आदेश का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। ये कैसा धर्म संकट है महावीर, यदि मुझे श्रीराम के दर्शन नहीं होंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे श्री राम की सेवा से वंचित न करें महावीर, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं। ऐसा न करें पर्वतराज, मैं प्रभु श्री राम से आपके लिए उचित आदेश लेकर आता हूं, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। सेतु का कार्य पूरा होने से सभी राम भक्त आनंद से भर गए। सारी सेना वहीं समुद्र के तट पर खुशी से नाचने लगी। श्री राम ने नल और नील को सेतु निर्माण में सहयोग के लिए हृदय से लगा लिया, किंतु ये नल और नील भी जानते थे कि समुद्र पर सभी पत्थर श्री राम की कृपा से तैर गए थे। अभी श्री राम की जय जयकार ही हो रही थी कि तभी महावीर हनुमान वायु मार्ग से श्री राम के पास पहुंचे। श्री रघुवीर प्रताप दे सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी ते मति मंद जे राम तजी भज ही जाए प्रभुवान। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।
रामाय।